उदयपुर घटना के बाद यूपी में मिले चार लोगों को धमकी। सहारनपुर में बजरंग दल के सक्रिय नेता समेत चार लोगों को धमकी मिली है। हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को भी धमकी मिली है। उदयपुर में कमलेश तिवारी के घर में घुसकर हत्या हुई थी। 18 नवंबर 2019 को मारे गए थे हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी। कमलेश तिवारी की हत्या के बाद उनकी पत्नी को कई बार खत के जरिए धमकी मिल चुकी है। किरण तिवारी को उर्दू में लिखा हुआ धमकी पत्र भी मिला। धमकी भरा पत्र मिलते ही हिंदुवादी नेता की पत्नी किरण त्रिवेदी की सुरक्षा बढ़ाई गई। 22 जून को उर्दू में लिखे पत्र के माध्यम से इन्हें धमकी दी गई थी। यूपी अलर्ट को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने किरण तिवारी की सुरक्षा बढ़ाई। घटना होने के बाद मुझे ये लगा कि मैं अगर हम लेटर नहीं देते हैं तो मुझे कम क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। कम से कम ये प्रशासन का उसको जारी चलेगा। अगर यही बात उदयपुर में हुई होती या वहाँ पुलिस कर्मी अगर इस बात का संज्ञान लिए होते, उनको जेल भेजा गया होता, उनके ऊपर कार्रवाई की गई होती, तो आज कन्हैयालाल का हत्या नहीं हो रही थी। तो ये थोड़ा कार्रवाई नहीं करते है ना, कार्रवाई में ढीला करने के बाद ये घटना। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जालौन पहुंचे एसीएस होम अवनीश अवस्थी। जालौन के डीएमएसपी के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी ली। वही 12 जुलाई को पीएम मोदी आ रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने। 5 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ जालौन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अधिकारी जुटे हैं और तैयारियों में। एसीएस होम बोले, ऐतिहासिक होगा पीएम मोदी का कार्यक्रम। बिसौली में उपजिलाधिकारी ज्योति शर्मा की जन समस्याएं सुनते समय अचानक तबियत बिगड़ गई। आनंद फानम ने बिसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया गया। बता दें कि उपजिलाधिकारी बिसौली अपने कार्यालय में बैठकर जन समस्याएं सुन रही थी, तभी अचानक उनकी तबियत बिगड़ने लगी। उपजिलाधिकारी अपने आवास पर आराम करने के लिए पहुंचे थे। आवास पर उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। आनंद फानन में उपजिलाधिकारी बिसौली को बिसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां बिसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। कंधई थाना क्षेत्र के यहियापुर गांव में शुक्रवार 1 जुलाई को छोटे भाई ने थाने में तहरीर देकर अपने बड़े भाई पर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े भाई ने राइफल निकालकर जान से मारने की कोशिश की। हल्लागुहार पर आसपास के लोग पहुंचे तो जान बची। दोनों सगे भाइयों में काफी दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, तो वही राइफल निकालकर पीड़ित पर निशाना लगाने का वीडियो वायरल हुआ। छोटा भाई सादिक अली और उनका भतीजा आलम उर्फ रिंकू अपना हक मांगने अपने बड़े भाई साबिर अली और उनके दो पुत्र अब्दुल और उसके पप्पू के पास पहुंचे थे, तो वहीं इनके बीच बहस शुरू हो गई। तो वहीं साबिर अली 307 के मुलजिम है। सादिक अली और भतीजे रिंकू के परिवार को जान से मारने की साबिर अली के दोनों पुत्रों ने धमकी दी थी, जिससे पीड़ित का परिवार डरा सहमा है। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।